आज की यह कहानी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली महिला लक्ष्मी सहगल के बारे में है। लक्ष्मी सहगल का जन्म 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास में एक तमिल परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन था। इनके पिताजी का नाम एस स्वामीनाथन और माताजी का नाम एवी अमुकट्टी था। इनके पिताजी मद्रास उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता एक समाज सेविका थी और केरल के एक जाने माने स्वतंत्रता सेनानी परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उन्होंने क्वीन मैरी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की और बाद में चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए 1938 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री प्राप्त की। एक साल बाद उन्होंने स्त्री रोग और प्रसूति में डिप्लोमा प्राप्त किया। उन्होंने चेन्नई स्थित सरकारी कस्तूरबा गांधी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में भी कार्य किया। बचपन में समाज में ब्रिटिश शासन की जुल्मी हुकूमत को देख उनके मन में स्वतंत्रता और की चिंगारी चलने लगी थी। वह बचपन से ही राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित हो गई थी। उस समय महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन छेड़ा तो लक्ष्मी जी ने भी उसमें हिस्सा लिया था। वर्ष 1943 में अस्थाई वह आज़ाद हिंद सरकार की कैबिनेट में पहली महिला सदस्य बनी। वर्ष 1942 में अंग्रेजों ने सिंगापुर को जापानियों को समर्पित कर दिया। उस समय लक्ष्मी सहगल ने घायल लोगों के उपचार के लिए काफ़ी कार्य किया। सिंगापुर में सामान्य लोग जिसमें मजदूर वर्ग शामिल हैं उनके ऊपर हो रहे जुल्म को देख उन्होंने निश्चय किया कि अपने देश की आज़ादी के लिए वह कुछ करेंगी। 2 जुलाई 1947 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में आए। उस समय लक्ष्मी सहगल उनके विचारों से प्रभावित हो गई। इस समय लक्ष्मी जी ने स्वयं बोस को अपना परिचय दिया था और लगभग 1 घंटे की मुलाकात के बीच लक्ष्मी जी ने बोस से आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मी के भीतर आज़ादी का जज्बा देखने के बाद नेताजी ने उनके नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाने की घोषणा कर दी, जिसमें वह वीर नारियां शामिल की गई जो देश के लिए अपनी जान दे सकती थी। 22 अक्टूबर 1947 में डॉक्टर लक्ष्मी ने रानी झांसी रेजिमेंट में कैप्टन पद पर कार्यभार संभाला। उनके महान कार्य की बदौलत उन्हें कर्नल पद भी दिया गया। इस तरह लक्ष्मी सहगल कर्नल पद हासिल करने वाली पहली एशिया की महिला बनी, लेकिन वह लोगों के मन में कप्तान लक्ष्मी के रूप में प्रसिद्ध रही। 4 मार्च 1946 को आज़ाद हिंद फौज की हार के बाद ब्रिटिशों द्वारा वह पकड़ी गई, लेकिन जल्द ही उन्हें छोड़ दिया गया। 1947 में लक्ष्मी जी ने प्रेम कुमार सहगल से विवाह किया और कानपुर में स्थायी हो गई। उसके बाद वह वंचितों की सेवा में जुट गई। INA की बर्मा यात्रा का एक हिस्सा बनने के लिए मई 1945 में ब्रिटिश सेना ने कप्तान लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया। 23 जुलाई 2012 को हार्ट अटैक के कारण 97 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके शरीर को कानपुर मेडिकल कॉलेज को मेडिकल रिसर्च के लिए दान दिया गया। अगर आप सभी को लक्ष्मी सहगल के जीवन पर चर्चित यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।